हेलो एवरीवन वेलकम टू डेली रिव्यू दोस्तों आज मैं निविया हाइड्रेशन एंड निविया सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजर के बीच में कंपैरिजन कर रही हूँ गाइस सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है मेरे चैनल पे दोस्तों ठीक है और हाल ही में ही मुझे किसी ने एक रिक्वेस्ट की थी इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करने की तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोनों की रिव्यूज़ में डेमो मेरे चैनल पर है तो आप ज़ोर से चेक कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दोनों के लिंक्स दे दूँगी पहले शुरू करते हैं निविया एलो हाइड्रेशन से ये मात्र फोटी नाइन रुपीज़ की आती है नब्बे रुपये की आती थी पर ये फोर्टी नाइन रुपीज़ की आती है और फिफ्टी एम की प्रोडक्ट क्वांटिटी है इसमें अलग अलग साइजेस आते हैं तो मैं आपको बाकी के साइज़ के भी रेट्स आपको मेंशन कर रही हूँ स्क्रीन पे तो आप देख लीजिए और ये एलो हाइड्रेशन क्रीम है तो एलोवेरा की तासीर है इसमें ठीक है और रिफ़्रेशिंग मॉइस्चर केयर देती है आपको ठीक है गाइज़ और टीनेजर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगी इसे ऑल स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एलोवेरा से ये बनी हुई है तो एलोवेरा तकरीबन सभी स्किन टाइप वालों को जो है सूट होती है इसमें कहीं पर भी पैराबिन नहीं है दोस्तों और पर यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये डर्माटोलोजिकली टेस्टेड है ठीक है तो इस चीज़ का आप ख्याल ज़रूर रखिएगा एंड पीछे इसमें मतलब काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं इसके बारे में और इसके इंग्रेडिएंट्स मैंने काफ़ी अच्छे से चेक किए हैं इसमें पैराबिन कहीं पर भी नहीं है परफ्यूम ज़रूर है पर पैराबिन नहीं है जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको एक जो है मेटालिक शीट मिलती है जिसमें निविया निविया प्रिंटेड है जो कि आपको निविया की हर क्रीम में आपको ये चीज़ मिलेगी प्रोडक्ट आप अंदर से देख रहे हैं दोस्तों पर्ल वाइट कलर का ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला है और इसे मैं आपको यहाँ पर अप्लाई करके बता रही हूँ तो इसका टेक्स्चर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट टेक्स्चर है और इसकी जो स्मेल है ना दोस्तों ये थोड़ी सी मतलब उतनी फैंसी सी नहीं है जो मैंने एक्सपीरियंस की है बाकी ये आपके फेस पे काफ़ी अच्छा आपको मॉइस्चर देती है अभी जैसे मॉनसून चल रहे हैं स्किन पे ड्राइनेस हो रही है बट आपको कोई हैवी मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करना है तो मैं आप सभी को ये निविया की एलो हाइड्रेशन वाली क्रीम हाईली हाईली रिकमेंड करूँगी गाइस ठीक है क्योंकि जो ड्राई ड्राई स्किन वाले जो क्रीम यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा हैवी टेक्स्चर में रहता है बट जो कॉम्बिनेशन स्किन या ऑयली स्किन की अगर हल्की सी स्किन ड्राई हो रही है उनको कोई ऐसा हैवी मॉइस्चराइज़र नहीं चाहिए तो वो एलो हाइड्रेशन वाला मॉइस्चराइज़र जो है ये क्रीम यूज़ कर सकते हैं इसमें खास बात और है कि इसमें आपको जो है एलो हाइड्रेशन वाला लोशन भी मिलता है दोस्तों तो आप उसे बॉडी वाइज यूज़ कर सकते हैं और इसे फेस वाइज आप यूज़ कर सकते हैं इसे ऑल के एच कैटेगरी यूज़ कर सकती है ठीक है और बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है मात्र फोर्टी नाइन का आता है ये तो ये आपके पॉकेट में भी बिल्कुल भारी नहीं पड़ने वाला है ठीक है गाइस एलोवेरा से बनी हुई है ये तो अगर टीनेजर्स को ये अपने लिए नाइट क्रीम तलाश रही है ना तो डेफिनेटली आप इसे यूज़ करें ये आपको नाइट क्रीम की तरह भी बहुत अच्छे और बेस्ट रिजल्ट्स देगी क्योंकि इसमें एलोवेरा की तासीर है तो एलोवेरा नाइट केयर के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा काम आता है और आप देख रहे हैं स्किन बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं हुई है एग्जैक्ट मतलब स्किन में मॉइस्चर है पर चिपचिपापन बिल्कुल भी नहीं है तो ये मैंने आपको इसके विषय में सारी बातें बता दी है अब आते हैं निविया सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइज़र ये इन्फ्यूज़्ड है विद वाइटामिन ई और इसमें भारी मात्रा में वाटर इन्फ्यूज़ है दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं पानी के वेपर्स है इसमें ठीक है इसे जो है इसे ऑयली स्किन वाले बड़े ही आराम से यूज़ कर सकते हैं ठीक है दोस्तों और ये जो है ऑल स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं एलोहाइड्रेशन वाली क्रीम जो है ठीक है गाइस बट ये जो निव्याल सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइज़र है जो सॉफ्ट वाली मॉइस्चराइज़र है उसे मात्र ऑयली स्किन वाले यूज़ करें क्योंकि वो हाईली ऑयली स्किन के लिए ही बनी हुई है वाइटामिन ई की तासीर रखता है दोस्तों ये भी स्किन केयर के मामले में बहुत ज़्यादा काम आता है एंड ईस की तासीर है एलोवेरा की तासीर तो दोनों में कंपैरिजन में जो दोनों के मेन की इंग्रेडिएंट्स है विटामिन ई एंड एलोवेरा दोनों ही स्किन केयर में सेम पॉइंट्स पाते हैं क्योंकि दोनों ही स्किन केयर में बहुत ज़्यादा बेस्ट है फ्रेश एंड सॉफ़्ट स्किन ठीक है और फ्रेश मतलब अब्जॉर्ब कर लेती है मतलब बहुत फास्टिंग ऑब्जॉर्ब कर लेती है आपके फेस पे ये और ये बिग टब है दोस्तों जो कि आती है थ्री फोर्टी नाइन रुपीज़ की ठीक है और ये तीन सौ एम एल की टब है इसमें भी अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं तो सारे वेरियंट्स जो आते हैं मैंने आपको स्क्रीन पर बता दिए हैं उनके क्या क्या प्राइसेस हैं जैसे हम इसे भी खोलेंगे तो इसमें भी एज़ यूजल एक मेटालिक uh, शीट होती है और उसमें भी निविया निविया लिखा हुआ है और ये भी आप देख रहे हैं दोनों की मतलब आप देख सकते हैं एग्जैक्ट कॉपी मतलब दोनों की पैकेजिंग है आप देख सकते हैं डिट्टो कॉपी है दोनों की पैकेजिंग ठीक है वैसे तो अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी वाली कैसी है फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं दोनों के फॉर्मूला भी आपको एग्जैक्ट सेम दिखेंगे दोनों ही वाइट फॉर्मूले के साथ आते हैं सेम दिखते हैं तो कन्फ्यूजन तो डेफिनेटली बनेगी बनेगी कि भैया कौन से स्किन के लिए कौन सी वाली यूज़ करें दोस्तों देखिए एलो हाइड्रेशन वाली आप ऑल स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बट ये सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइज़र इसे ऑयली स्किन कॉम्बिनेशन स्किन ही यूज़ करे बाकी ये ड्राई स्किन वाले उनको इतना आ, आ, हाई लेवल का जो है हाइड्रेशन नहीं देगी और सेंसिटिव स्किन को भी ये मतलब उतना सूट नहीं करेगी ये मात्र ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन वाले से यूज़ करें इसमें कोई आपको बॉडी लोशन नहीं आता है ठीक है पर एलो हाइड्रेशन में आपको बॉडी लोशन मिलता है बट इसकी ये खास बात है कि इसे आप एज अ हैंड क्रीम यूज़ कर सकते हैं अगर आप इसे एज अ हैंड क्रीम यूज़ करना चाहें तो इसका भी एक छोटा सा डॉलप मैंने निकाल लिया है और अब आप मैं आपको अपने अदर हाथ में इसका जो है इसे ग्लाइड करके बता रही हूँ ये बहुत फास्टिंग एब्जॉर्मेंट फॉर्मूले के साथ आती है तो ये देखिए आपकी कितनी इजीली ये स्किन के अंदर जो है एब्जॉर्ब हो गई है इसकी मगर फ्रेगरेंस वाकई में बहुत ज़्यादा बढ़ी है स्वीट सी फ्रेगरेंस है फ्लोरल सी फ्रेगरेंस है बहुत ज़्यादा बढ़िया है बट उसकी फ्रेगरेंस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अजीब सी है कंपैरिजन दोनों में कुछ चीज़ों का ही है कि एक तो स्किन टाइप में ये ऑल स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं नेविया सॉफ्ट को मात्र दो स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं इसमें बॉडी लोशन आता है पर नेविया सॉफ्ट में बॉडी लोशन नहीं आता है ठीक है गाइस बर्निविया निविया सॉफ्ट भी अपनी जगह पे बहुत बेस्ट तरीके से काम करती है अगर आपकी स्किन ऑयली है या कॉम्बिनेशन है आप इसे यूज़ करें ठीक है दोस्तों रिजल्ट्स दोनों ही क्रीम्स जो है अपने फेस पे बहुत ज़्यादा बढ़िया देती है दोनों के रिजल्ट्स बाकी में बहुत ज़्यादा बेस्ट है और निविया के मैंने और कई प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ अपने चैनल पे कर रखे हैं तो आप सारी रिव्यूज़ चेक कीजिए प्ले लिस्ट जाके आप निविया की प्ले लिस्ट जाइए आपको आ, सारी निविया की वीडियोज़ मिल जाएंगी ठीक है गाइस वीडियो को डेफिनेटली लाइक ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल पर जरूर दबा दीजिएगा न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए एंड दोस्तों आप मेरे चैनल पे दूसरी वीडियोस भी ज़रूर से चेक कीजिएगा और मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जो कि है डेली पंजाबी लाइफ स्टाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है इसमें तो दूसरे चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और डेफिनेटली अपने स्किन टाइप के हिसाब से दोनों उसमें से किसी एक को यूज़ कीजिए वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स बाय दोस्तों